कलयुग में हनुमान जी महाराज जैसा कोई देवता नहीं है, और यहाँ कोई ऐसी वस्तु, अगर आप प्राकृतिक, अप्राकृतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, जो आप चाहोगे भगवान हनुमान जी महाराज सब देंगे। हम लोग जो है हनुमान चालीसा के महत्व को नहीं समझते, बस सोचते हैं तो बस हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा पढ़ने पे, हनुमान चालीसा पढ़ने से, क्योंकि तो जिसमें हनुमान जी का सभी गुणों का बखान किया गया है, तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और राम और सीता सहित हमारे हृदय में जो बैठे हैं राम और सीता, राम ही सीता है, सीता ही राम है, जब इसकी कृपा, जब हनुमान चालीसा की कृपा हो जावे, कलयुग में सबसे बड़ा जो क्षमतावान जो सिस्टम है भगवान का, अगर हनुमान चालीसा पे हम विश्वास करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हमारे जीवन में बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाएगा। और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमारा विजय ना हो। ये हनुमान जी की महिमा है, हनुमान चालीसा की महिमा है, क्योंकि इसको लिखने वाले कोई मामूली नहीं है, और स्वयं तुलसीदास जी महाराज हैं, और गवाह के तौर पे भगवान शिव और पार्वती हैं इसके। जी जी जी, क्योंकि तुलसीदास जी को मामूली मत समझो। कलि कपट जीव निस्तारण हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। बाली ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता, प्रचेतागण प्रचेताओं के पुत्र वाल्मीकि जी महाराज, ऐसे वाल्मीकि के अवतार कलयुग के जो कपटी जीव हैं, कुटिल जीव हैं, उनके निस्तारण हेतु, उनके कल्याण के लिए तुलसीदास जी महाराज संसार में आकर के हमको इतना सुंदर ग्रंथ दिया है, इतने सुंदर सुंदर भाव दिए हैं कि हम तो वैसे खाली बस पढ़ते रहे तो तर जाओ, पढ़ते रहे, हम पढ़ते भी नहीं है, देखते तक नहीं है। अरे कहते हैं कि पढ़ ना पाओ तो घर में रख लो, एक अगरबत्ती लगा दो, प्रणाम कर लो, रामचरितमानस का नाम ले लो, विनय पत्रिका का नाम ले लो, हनुमान चालीसा को प्रणाम कर लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्यों? बस बात आती है भाव की, वही भाव शून्यता की स्थिति है। क्योंकि कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। तो कहने का मतलब है भैया, जिधर भी देखोगे उधर बस भाव की महिमा है, और भाव का ही संसार है, भाव का ही परिवार है, भाव के भगवान है। जो संसार में जो भी दिखता है या जो भी हम करते हैं, बस सब भाव ही भाव है, और वही भाव की कमी है हमारे जीवन में। वो भाव कैसे प्रकट हो, यही हनुमान जी महाराज प्रकट करेंगे। जी जी जी। इनकी शरण में सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। जी जी महाराज जी, यानी कि कोई भी भक्त, चूंकि जो सांसारिक लोग हैं उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारा जीवन में संतुलन बिठाना होता है, तो वो सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भजें, और भाव से भजें, भाव से, तो निश्चित तौर पे ये जो चारों फल की बात कही गई है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, एक बार अगर हम भगवान की शरण में आते हैं, एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं, एक बार भी जय हनुमान कह देते हैं, तो भगवान उसका भी उधार नहीं रखते, जो है उसका तुरंत फटाफट देते हैं, कैश करते हैं। ये नहीं कि तू बाद में ले जाना, उधार नहीं करते भगवान, कि जानते हैं कि उधार रहेंगे तो हम ऋणी रह जाएंगे, तो भगवान कभी किसी का ऋणी नहीं रहते, तुरंत दे देते हैं, चल भाई लेके जा, निकल यहाँ से। लेकिन जब हमारा प्रेम, हमारा भाव भगवान के प्रति जग जाता है, तो कहते हैं प्रभु हमें ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, हमें तो बस आप चाहिए, आप चाहिए। जैसे 100 का नोट है, हमें 10-20 का है चाहिए, 10-20 चक्कर में क्यों पड़े, सीधे 100 को ना मांग ले, 100 में सारा चीज है नहीं है, ये पूरा का पूरा चाहिए। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ बचा जी नहीं। बिल्कुल,
तो जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो सारी चीजें तो हमारे पीछे पीछे दौड़ती है, नाचती है। समझने का विषय, भगवान तो तेरे अंदर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, वही भेजता भी है, चल यहीं से कल्याण होगा। लेकिन हम इस संसार में पढ़ के, इस संसार में संसारिक लोग हैं ना, संसार में नेगेटिव लोग बहुत है बात करने के लिए। अब हम तिलक लगा, हमने कहा भैया महाराज जी आए, बोले बेटा तिलक लगाओ, चुटिया रखो, भगवान का पूजन करो, मंदिर जाओ, पाठ करो। तिलक लगा के गया, किसी ने कहा भैया अरे यार क्या यार पुराने जमाने वाली बात कर रहे हो, है तिलक हटा रहा। अब हमारा विश्वास पूर्ण नहीं था, हमारा भाव बहुत अच्छा नहीं था, हमने कहा यार सही कह रहे हैं हटाओ। इसका साइंटिफिक रीजन है, हमारे मन में शांति बनी रहती, एकाग्रता बनी रहती है तिलक लगाने से। यही तिलक लगाया जाता है मेन पोजीशन पे, कंट्रोल में रहता है। जी जी, सबके अपने अपने महत्व है, जी जी, वो तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस में हमें आना पड़ेगा, बिना प्रोसेस में आए हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। यानी साधना पथ पे टिक करके और जो प्रक्रिया है उस साधना में आगे बढ़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो आपने पहले ही बता दिया कि भाव चाहिए, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। और बहुत अच्छी आपने भी बात बता दी कि ये तो बिल्कुल माने हुई प्रैक्टिकल बात है कि हर आदमी भी भाव का भूखा है, हर आदमी भाव ही तो चाहता है। तो इसी तरह से भगवान भी भाव के भूखे हैं, और उस भाव के साथ हनुमान जी को भजा जाए तो निश्चित तौर पर हनुमान जी कल्याण करेंगे।